जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस नाले पर। ये पानी वाला नाला है जो कि सारम से गुजरता हुआ गढ़ कैम की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ देववाड़ और भरवाल की तरफ जा रहा है। इस नाले की पटरियों का ठेका हुआ है जी ठेकेदार, एक तरफ 12 फुट और दूसरी तरफ 15 फुट पटरी बनाएगा। पटरियों के नीचे मिट्टी डालने के लिए जो मिट्टी का निजाम है वो ठेकेदार की अपनी जवाबदारी है कि वो ठेक कहीं से भी मिट्टी लेके आए और पटरियां बनाए। नाले के दोनों तरफ पहले ही गड्ढे पड़े हुए हैं। इससे पहले जो ठेकेदार पिछली दफा जब नाले को पटरियां बनाई नाले की पटरियां बनाई गई थी उस वक्त जो ठेकेदार था उस ठेकेदार ने नाले की साइडों से मिट्टी उठा के पटरियों पर डाल दी और जैसे ही बारिश हुई वो मिट्टी फिर वापस उसी जगह पर चली गई और पटरियां खत्म हो गई। अब ये ठेकेदार जो ये नाले के अंदर से मिट्टी उठा रहा है, नाले के अंदर से उठा के मिट्टी ये पटरियां बना रहा है और पटरियां जो है जब बारिश आएगी तो ये भी घोल के इसी तरह नीचे बह जाएंगी और हुकूमत का जो जितना पैसा लगा हुआ है सब का सब वो जो है नुकसान होगा सिर्फ एक बारिश में। एक बारिश में सारी पटरियां जो है ये खत्म हो जाएंगी। इस तरफ ध्यान दीजिए इंतजामिया हमारी भरवाल की, सारम की, फुलरवान की, जो कोई भी इंतजामी है वो इनको रोके कि ये नाले को ज्यादा गहरा ना करे। जैसे जैसे नाला गहरा होता जाएगा ऐसे ऐसे आसपास की जमीनों का जो है सेम और थो वो ज्यादा होती जाएगी।